जी, यू हैव शेम्ड द डेमोक्रेसी इन बंगाल। ममता जी, आपने लोकतंत्र को शर्मसार किया है बंगाल में। इस दिन क्या हुआ, मैं तो आप सभी चैनल्स का अभिनंदन करता हूं। आपने दिखाया क्या है। मैं बिहार से आता हूं, सत्यपाल जी वेस्टर्न यूपी से आते हैं। ये तो कहानी हम लोग के समय की थी, हमारे प्रदेश की, जो खत्म हो गई। वहां शांतिपूर्वक चुनाव होता है। अभी आपने देखा यूपी में बीजेपी ने स्वीप किया ना, क्या ग्राम पंचायत, क्या लोकल बॉडी, क्या नगर निगम, एक भी आपने वायलेंस सुना क्या? एक आध जगह रिकॉल खाली हुआ। ये क्यों होता है बंगाल में, ये एक बहुत गंभीर सवाल है। मुझे बताया गया कल काउंटिंग में भी हत्या हुई है, काउंटिंग में भी पीटा गया है। और एक दो मुझे बताया गया कि कई बार लोग जीत गए, जीतने के बाद कहा गया कि तृणमूल में ज्वाइन करो नहीं तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ममता जी, यू हैव शेम्ड द डेमोक्रेसी इन बंगाल। ममता जी, आपने लोकतंत्र को शर्मसार किया है बंगाल में। मैं बहुत उत्सुक था, मैं ममता जी की इज्जत करता हूं। एज ए पोलिटिकल फाइटर आई मस्ट टेल यू वेरी ऑनेस्टली, हमारा उनका जबरदस्त विरोध है। आप जानते हैं हमारा उनका विरोध बहुत है, लेकिन वो संघर्ष करके आगे आई तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि ममता जी क्या टिप्पणी करती है। ममता जी तो खूब बोलती है बोलने में, ममता जी तो बस हर विषय पर शी हैज रेडीमेड रिप्लाई, कैस्टिगेटिंग माय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, कैस्टिगेटिंग बीजेपी। ममता जी, आपको फेसबुक पर क्यों अपना कमेंट देना पड़ा? ममता जी, आप प्रेस से आंखों में आंखों मिला के बात क्यों नहीं कर पा रही हैं? ममता जी, टुडे आई वुड लाइक टू आस्क यू ए स्ट्रेट क्वेश्चन, व्हाई यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू फेस द मीडिया एंड शेयर योर हैप्पीनेस ऑन दिस विक्ट्री? क्योंकि आपको अपनी खुद की शर्म आ रही है कि 45 लोगों की हत्या, इतने बैलेट बॉक्सेस की लूट, इसके बाद आप ये जीत हासिल किए। मैं भाजपा के अपने सारे कार्यकर्ताओं का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, हृदय से शुभकामना देता हूं, उनके जज्बे को, उनके सेक्रीफाइस का अभिनंदन करते हैं कि दे रियली फॉट और ये 10,000 लगभग सीट हम लोग जीते मेंबर्स। आज मुझे, हम कहां कहां जाएंगे, आज हम अभी तुरंत निकलेंगे, हम वो सब आपको बता देंगे, फिर कल भी हम जाएंगे और फिर उसके बाद कल शाम में हम नॉर्थ बंगाल जाएंगे।